हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डॉट के डॉट टी डॉट सी डॉट सी में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विज्ञान कक्षा 10 की, नूतन प्रकाशन की, कुमार मित्तल की। तो आप लोगों ने कुमार मित्तल राइटर हैं इनकी। मैंने आपको अध्याय पढ़ा रहा हूँ 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको कुछ टॉपिक समाप्त किए गए, मतलब खत्म हो गए हैं, हट गए हैं। तो मैंने आपको पीडीएफ का एक वीडियो बनाया था, उस पर आप पीडीएफ देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वैद्युत मोटर। विद्युत मोटर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, आपको मैं बुक पे ही पढ़ाऊंगा, थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं है इस वजह से। बुक पे देखो लिखा हुआ है वैद्युत मोटर आपका टॉपिक है। लिखा एक ऐसा वैद्युत मोटर क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है क्या होती है उसके बारे में यह आपको लिखना है। मैं आपको जितना बताऊंगा उतना आपको लिखना भी है उस पे, क्योंकि ये आपका 7 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। और इस बार वैद्युत मोटर आने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके जो लॉन्ग वाले हैं इससे हटा दिए गए हैं। तो इस वजह से आप लोग उनको भी इसको अच्छे से पढ़िएगा। लिखा यह एक ऐसा साधन है, आपको दिख रहा होगा, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या किया जाता है? यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके यहां तक लिखने के बाद लिखना है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। आप लोगों को जस्ट एग्जांपल आप लोग फैन का देख लीजिएगा, जो हमारा पंखा होता है उसमें क्या होता है, आप लोगों को जो पंखा जब साइलेंट पे मोड पे होता है तो आपको बंद होता है तो आपको बंद दिखता है, जैसे ही आप स्विच ऑन कर देते हैं सॉकेट का, तो वैसे ही आप प्लग लगाए और स्विच ऑन किए, आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करी किस पे, उसके अंदर है मैग्नेट लगा होता है हमारा, क्या होता है कुंडली में छेद कर इसके यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वैद्युत ऊर्जा जो होती है हमारी, क्या होती है हमारी लाइट होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया हमने मैग्नेट पे, वो हमारे घूमने लगता है धीरे धीरे, फिर आपको स्पीड के साथ फैन से हवा मिलने लगती है, तो वो हमारी वैद्युत मोटर होती है। या हमारा फराटा होता है वैद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कई सारी आती है हमारी, फैन की आती है, कूलर की आती है, बड़ी आती है 10 हॉर्स पावर की आती है, 15 हॉर्स पावर की आती है, हमारे मोटर पार्ट्स में लगे होते हैं तो उसमें सब पे मोटर आती है, वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी रचना के जो पद हैं, वैद्युत मोटर में 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, अभी बताएंगे आप लोग। यहाँ लिखे क्षेत्र चुंबक पहला पार्ट होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड एन व एस है, मतलब क्या है इसके जो ध्रुव खंड होते हैं वो एन और एस होते हैं, अभी देखो हम दिखाएंगे आपको डायग्राम, पीछे लिखा है आर्मेचर, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली कुंडली ए बी सी डी होती है, जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों नॉर्थ और साउथ के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये देखिए आप लोगों को वैद्युत मोटर आपके पास दिख रही है, ये देखिए बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वैद्युत मोटर किस हिसाब से आपके पास बनी हुई है, ये देखिए बनी है। ठीक है, थोड़ी सी जूमिंग हम कम कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये देखिए। ठीक है, जी देखिए आपके पास बनी हुई है वैद्युत मोटर, जी देखिए हमारे, अब देखिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी होती है, हमारा पहला पार्ट क्या होता है आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर जो होता है हमारा पहला पार्ट है हमारा क्या, क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक हमारा देखिए जी हमारा लगा होता है मैग्नेट के, वो लगे होते हैं, यहाँ पे हमारा चुंबक लगा होता है, कौन से पार्ट होते हैं हमारे चतुर्मुखी भाग नॉर्थ और साउथ में होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे एक चुंबक लगे ब्रश लगे होते हैं, ब्रश के साथ विभक्त वलय होता है। ठीक, विभक्त वलय भी अभी बताया जाएगा क्या होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है आर्मेचर, आर्मेचर मतलब इसमें तांबे के होते हैं हमारे, क्या तांबे की हम जो हम भरते हैं उस पर फैन वगैरह हमारा खराब हो जाता है तो क्या
तांबा भरते हैं उसमें, तांबा तो नहीं भरा होता लेकिन अब उसमें क्या भरते हैं, कॉपर भरते हैं। ठीक है, तांबा पहले आता था, अब कॉपर। तो कॉपर जब भरा होता है उसके अंदर जब फैन का स्ट्रक्चर फैन के अंदर फिट करते हैं तो वहां पे हमारा थोड़ा सा मैग्नेट होता है, तो उस मैग्नेट पे हमारा जो होता है वो आर्मेचर हमारा क्या राउंड लगाने लगता है, ए बी सी डी। और किस तरफ से इसकी डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ पोल की होती है। ये देखिए नॉर्थ से साउथ पोल ये लिखा है ना, नॉर्थ से यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम, यहाँ से घूमने के बाद यहाँ से जो हमारी करंट होती है ऐसे आके ऐसे फिर घूमती है। तो जी था ब्रश लगे होते हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी पत्तियां लगी होती हैं वो होती हैं, ठीक। और फिर साथ में होता है हमारा विभक्त वलय, ये लिखो लिखा है। यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित होता है, ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इन भागों को पृथक पृथक दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं, इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है, यह ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित करते हैं प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। देखिए ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, इससे हमारी फ्लो बाहर होती है, इससे बाहर आती है तो हमारी हीट आती है, हीट हमारी यहाँ से बाहर आती है बैटरी से। अब इसकी जो क्रियाविधि है, आप लोगों क्रियाविधि क्या होती है, देखिए लिखना है आपको, इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है समझना है, कुछ चीजें आपको अपने आप निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। जब एग्जाम पे समय लिखे ज्यादा पढ़ेंगे तब वहां पे आप थोड़ा सा लिख पाएंगे, अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आप लोग वहां पे उससे भी कम ही लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको कितनी भी थ्योरी समझो कितनी याद करो, आपने अगर इतनी पढ़ी है तो आप वहां पे सिर्फ इतनी ही लिख पाएंगे। तो इस वजह से अगर इतनी पढ़ोगे इतनी इस पे लिखोगे उस पे तो दो दो लाइन है आर्मेचर क्षेत्र चुंबक पे, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रियाविधि जो होती है हमारी क्या वर्किंग कैसे होगी, जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस बैटरी से कुंडली धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पे, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त मतलब हमारी घड़ी की दिशा के अनुसार जो घूमती है, तो अनुसार कुंडली की भुजा ए बी, देखो ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक है, एक बल नीचे की ओर तथा सी डी एक बल ऊपर की ओर, सी डी एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त एंटी क्लॉक वाइज दिशा में घूमने लगती, देखिए जी हमारी घूम रही है यहाँ से, ठीक एंटी क्लॉक दिशा में घूमने लगती। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। देखिए ये हमारा धन ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड पे जुड़ा होता है। फिर मोस्ट पॉइंट लिखना आता, कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है जिस दिशा में हमारी क्या धन और ऋण ध्रुव होते हैं, प्लस से माइनस की ओर। फिर वैद्युत मोटर का उपयोग में आपको लिखना है क्या, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा वैद्युत मोटर का उपयोग, नोट पे वैद्युत नोट डालिएगा, नोट पे आपको ये पॉइंट लिखना है, वैद्युत मोटर का उपयोग वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल इसके द्वारा बिजली के पंखे, जैसे हमने देखो पंखा बताया, पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा पीसने की चक्की इत्यादि चलाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रश के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से आपको विद्युत मोटर बताई गई है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक किए होंगे, अच्छा लगा होगा, ठीक है, जो भी आपकी विद्युत मोटर। अब आप लोगों को एक ही टॉपिक एक ही चीज पे एक वीडियो पे कम्प्लीट किया जाएगा, आज आपको इलेक्ट्रिक मोटर या वैद्युत मोटर आपको बताएगी, कल आपका टॉपिक होगा दूसरा। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा, टास्क आपका बहुत अच्छा बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप उससे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बाय बाय।